हाय फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और चने की दाल की सब्जी साउथ इंडियन स्टाइल से। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ्लेवरफुल सब्जी बनने वाली है। फ्रेंड्स, अब सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में 2 चम्मच तेल गरम करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं रेसिपी के साथ साथ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स भी बताती हूँ और इंग्रेडिएंट्स के अदर ऑप्शंस भी बताती हूँ, जो कि बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी 1/4 टीस्पून राई डालेंगे और राई हो रही है अभी हमारी। अब हम इसमें राई के फूटने की आवाज आ गई है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। साथ में हमें डालना है करी पत्ता, बहुत ही अच्छा फ्लेवर करी पत्ते का इसमें आएगा। अब हम थोड़ा सा गैस धीमा करेंगे और 1 चम्मच उड़द की दाल इसमें मिक्स करते हैं। फिर से मैंने गैस को बड़ा कर दिया है। उड़द की दाल थोड़ी तेल में सोते हो रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट। अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। आप चाहे तो मिर्ची बारीक कट करके अदरक को भी अलग से ग्रेट करके ले सकते हैं। लहसुन आप पसंद नहीं करते तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप इसमें हींग डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ। सबको सोते करेंगे। प्याज मैंने 1 मिनट के लिए सोते कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें चने की दाल पत्ता ये करी ली उसकी, और अदरक मिर्ची लहसुन अनियन और जो उड़द की दाल डाली है उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 1 टीस्पून से थोड़ा कम डाला है मैंने। और ये जीरा पाउडर है, घर का पिसा हुआ दरदरा जीरा पाउडर है, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और थोड़ा गर्म मसाला 1/2 टीस्पून से कम लिया है मैंने। सबको मिक्स कर देते हैं। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के रखा है। 1/2 कप चने की दाल ली है, इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। बहुत से लोग चने की दाल को अलग से पका के और फिर सब्जी में मिलाते हैं, पर वो बिल्कुल भी उसमें स्वाद परफेक्ट नहीं आता है। जो स्वाद का असली मजा है वो इसी में है कि हम इस तरह से चने की दाल और पत्ता गोभी को स्वाद में साथ में पकाएंगे तो दोनों का स्वाद एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट एनहेंस होता है। अब हम इसमें दाल में थोड़ा नमक मिक्स कर देते हैं। नमक को भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, 4 मिनट हो गए हैं, हमने नमक डालकर चने की दाल को थोड़ा कुक कर लिया है। अब हम इसमें पत्ता गोभी मिला लेंगे। पत्ता गोभी को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पत्ता गोभी ज्यादा न गले इसलिए पहले हमने थोड़ा सा इसको चने की दाल को भाप से पका लिया है। और अब हम इसमें पत्ता गोभी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक के फिर से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको खोल के देख लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है चना दाल और पत्ता गोभी, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा फ्लेवर खुशबू आ रही है इसमें। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ 2 चम्मच ये फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट है। आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई कोकोनट या डेसिकेटेड कोकोनट इसमें मिक्स कर सकती है, पर फ्रेश कोकोनट का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। एकदम अथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब मिक्स कर लेते हैं सबको। कोकोनट मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया मिक्स कर देंगे और फिर गैस को बंद करके हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी साउथ इंडियन स्टाइल की चना दाल पत्ता गोभी की सब्जी रेडी है।